दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि 2000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट और ऐसे ही बाकी सभी नोटों की मेकिंग कॉस्ट कितनी होती है? तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। दोस्तों, RTI के अनुसार भारत सरकार 2000 रुपये को बनाने में लगभग 4 रुपये और 18 पैसे खर्च करती है। दोस्तों, अगर बात की जाए पुराने 1000 रुपये के बैन हुए नोट को बनाने में लगे खर्च की, तो पूरे 1000 रुपये के नोट को बनाने में लगभग 3 रुपये और 54 पैसे का खर्च आता था। यानी कि 2000 रुपये का नोट 1000 रुपये के नोट से लगभग 64 पैसे ही महंगा है। दोस्तों, नए 500 रुपये के नोट को बनाने में लगभग 2 रुपये और 57 पैसे का खर्च आता है। अगर वही बात की जाए पुराने 500 रुपये के नोट को बनाने में लगभग 3 रुपये और 9 पैसे का खर्च आता था। यानी कि नए 500 का नोट पुराने 500 के नोट से लगभग 52 पैसे सस्ता है। दोस्तों, 100 रुपये के नोट की मेकिंग कॉस्ट लगभग 1 रुपये और 51 पैसे है। वहीं अगर बात की जाए 10 रुपये के नोट को बनाने में लगे खर्च की, तो 1 रुपये और 1 पैसा है। और 20 रुपये के नोट को बनाने में लगभग 1 रुपये का खर्च आता है। यानी कि 10 रुपये का नोट 20 रुपये के नोट से महंगा है। दोस्तों, अगर बात की जाए कॉइन्स को बनाने में लगे खर्च की, तो 1 रुपये को बनाने में लगभग 1 रुपये और 11 पैसे का खर्च आता है। यानी कि 1 रुपये को बनाने में 1 रुपये से भी अधिक पैसे लग जाते हैं। वहीं दोस्तों, 2 रुपये के सिक्के को बनाने में लगे खर्च की बात करें, तो 1 रुपये और 28 पैसे, 5 रुपये के कॉइन को बनाने में लगभग 3 रुपये और 69 पैसे, 10 रुपये के कॉइन को बनाने में 5 रुपये और 54 पैसे खर्च होते हैं। दोस्तों, इनकी मेकिंग कॉस्ट जानकर आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, इन नोटों की कीमत इतनी कम है लेकिन इनको इतनी हाई प्राइस देता कौन है? तो दोस्तों, सेक्शन 25 के अनुसार RBI इनको इश्यू करता है। लेकिन दोस्तों, इसका डिज़ाइन और कलर वगैरह इंडियन गवर्नमेंट से कंसिडरेशन के बाद ही होता है और इनको इशू करता है RBI। दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए।